कंकरेश्वर जलाशय में प्रस्तावित सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। पावर प्लांट लगने से पंजीकृत समितियों के मछुआरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, जिसको देखते हुए ओंकारेश्वर जलाशय के मछुआरों ने बड़ी संख्या में ग्राम एकखंड में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें समिति अध्यक्षों एवं सभी मछुआरा सदस्यों ने सर्वसम्मति से कई बिंदुओं पर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर विचार मंथन किया। मत्स्याखेट से प्रभावित मछुआरों का सर्वे भी पूर्व में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा चुका है। कई बार मछुआरा संघ के द्वारा ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग व जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक मछुआरों की सुध नहीं ली गई, जिसको लेकर मछुआरों में सरकार के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। सोलर प्लांट में प्रभावित होने वाले मछुआरों को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए, उनके जो भी बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, और आने जाने के लिए जो जल मार्ग है उनको भी उनके लिए खोला जाए। बैठक में सभी समिति अध्यक्ष एवं पदाधिकारी और मछुआरे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज ओंकारेश्वर जलाशय पर ग्राम एकखंड में समस्त मछुआरा समाज की एक बैठक रखी है। मछुआरा समाज जो कि जलाशय पर मत्स्याखेट मछली पालन का काम करता है, उनको आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा उसे स्थान बदल बदल कर अपना काम करने के लिए कहा जा रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पर सौर ऊर्जा हेतु सोलर प्लांट जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है यहाँ पे लगने जा रहा है। तो हमारे मछुआरा भाइयों को मत्स्याखेट करने के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में परेशानियाँ होगी, इस हेतु हमने अभी से एक बैठक रखी और शासन प्रशासन से यह मांग करेंगे कि हमें रोजगार में व्यवधान न उत्पन्न हो, इस ओर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। मैं मारेवा मत्स्य सहकारी समिति ओंकारेश्वर का अध्यक्ष हूँ। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।